नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है। इस बार दो सावन पड़ रहे हैं। इस बार सावन का महीना पूरे 59 दिनों का होगा, मतलब कि 59 दिनों का सावन का महीना होने वाला है। इसमें अधिक मास भी जुड़ जा रहा है। तो सावन का महीना कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, अधिक मास कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, ये जानकारी लेकर हम आए हैं। हम सभी लोग सावन के महीने को बहुत ही पवित्र मानते हैं और इस पवित्र महीने में भगवान शंकर की पूजा, व्रत और अभिषेक करके उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि सभी देवी देवताओं की अपेक्षा भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। वे सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। हमारे पंचांग के अनुसार श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 4 जुलाई से प्रारंभ हो रही है और 10 जुलाई को सावन महीने का पहला सोमवार है। सावन महीने का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है और उस दिन अमावस्या तिथि भी है, इसलिए हम सभी लोग अमावस्या तिथि और सोमवार दोनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद से 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक ये अधिक मास का समय रहेगा, जिसे कहीं कहीं पर मलमास भी कहा जाता है और इसे पुरुषोत्तम माह भी कहा जाता है। ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए हम सभी को इस महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि ये संयोग, मतलब सावन महीने में अधिक मास का होना, ये 19 वर्षों के बाद हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ संयोग है। 2023 में सावन महीने की प्रतिपदा तिथि 4 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। 10 जुलाई को पहला सोमवार है और 17 जुलाई को दूसरा सोमवार भी है और अमावस्या तिथि भी है। इसके बाद 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास है, फिर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सावन महीने का शुक्ल पक्ष का सावन महीना है, पूरे 15 दिनों तक। सावन के महीने का बहुत ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी ने अपने कठोर व्रत और तपस्या के द्वारा भगवान शिव को सावन के महीने में ही पति के रूप में प्राप्त किया था। इस महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा, व्रत और अभिषेक करने से हमारे सभी दुखों का नाश होता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग है। अगर हम सावन के महीने में किसी भी एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेते हैं तो हमें अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप जिस एरिया, जिस जगह में रहते हैं और वहां पे कोई शंकर जी का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है तो इस सावन के महीने में आप अवश्य दर्शन करें। सावन की सोमवार में भगवान शिव का अभिषेक करना, माँ पार्वती जी की पूजा करना, व्रत करने से सभी स्त्रियों की वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी इस सावन के महीने में इसीलिए पूजा और व्रत करती हैं कि उनका योग्य पति उन्हें प्राप्त हो तथा उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे, साथ ही उनके जीवन में
सुख समृद्धि की कोई भी कमी ना रहे। अन्य महीना और अन्य तिथियों की अपेक्षा भोलेनाथ सावन के महीने में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जल में गंगा जल मिलाकर अभिषेक करने से, कच्चे दूध से अभिषेक करने से, मिश्री चीनी या चावल से अभिषेक करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत बनी रहती है। इसलिए आप सभी लोग 10 जुलाई दिन सोमवार के दिन सभी लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।